All right, today my topic is SWOT analysis. तो आइए हम लोग समझते हैं कि SWOT analysis क्या होता है. तो SWOT analysis को सबसे पहले हम चार coordinate में बांटेंगे. पहला हम लोग का S, दूसरा हम लोग का W, तीसरा हम लोग का O और चौथा हम लोग का T. ये जो दोनों हैं S और W, ये internal environment के तहत आएंगे. इंटरनल एनवायरनमेंट का मतलब होता है ये आपके अंदर का चीज है, इसे हम लोग कहेंगे इंटरनल एनवायरनमेंट. और ये जो दोनों है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के तहत आएंगे. एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, आगे ही मैंने कह दिया है कि SWOT एनालिसिस को चार कोऑर्डिनेट में बांटेंगे, एस डब्ल्यू ओ टी. S और W जो आएगा इंटरनल एनवायरनमेंट के तहत आएगा और O और T जो रहेगा ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के तहत आएगा. आइए तो SWOT एनालिसिस के माध्यम से आइए सबसे पहले हम लोग क्या समझने वाले. SWOT एनालिसिस ये सबके लिए, आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके लिए है, आप बिजनेस करते हैं तो भी आपके लिए SWOT एनालिसिस है, आप स्कूल चला रहे हैं तो आपके स्कूल के लिए SWOT एनालिसिस, हॉस्पिटल चला रहे हैं, ऐसा फ्रेमवर्क है. इट्स अ लॉजिकल फ्रेमवर्क. SWOT analysis is a logical framework covered and everything. ये ऐसा framework है जो कि हर चीज को cover कर देगा. और ये SWOT analysis को समझने से हम लोग को पता चल जाएगा कि हमारा अंदरूनी ताकत क्या है, हमारा अंदरूनी कमजोरी क्या है और मेरे लिए मार्केट में अपॉर्चुनिटी क्या है जिसको हम फायदा उठा सके और हमको नुकसान क्या है, ये हमको पता चल जाएगा. तो SWOT analysis बताता है कि आप कौन हो. SWOT analysis यही बताएगा कि आप कौन हैं. तो आइए क्या करके हम लोग SWOT analysis पे चर्चा करते हैं. S का अगर बात करें तो S refers to strength. S को हम लोग क्या कहेंगे, strength. Strength को हम लोग बोलते हैं inherent capability. Inherent capability का मतलब होता है सबसे पहले आप जो भी काम कर रहे हैं आप सबसे पहले उस काम में पहचानिए कि आपका अंदरूनी ताकत क्या है. Strength का मतलब आप स्ट्रेंथ का मतलब होता है इनहेरेंट कैपेबिलिटी. इनहेरेंट कैपेबिलिटी का मतलब होता है आप जो भी काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं या स्कूल चला रहे हैं, हॉस्पिटल चला रहे हैं, सर्विसेज दे रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं सबसे पहले आपको चेक करना है कि आपका अंदरूनी ताकत क्या है. इनहेरेंट कैपेबिलिटी, इनहेरेंट विच गिफ्ट्स जो आपको देगा, विच गिफ्ट्स स्ट्रेटजिक एडवांटेज जो आपको स्ट्रेटजी बनाएंगे उसमें आपको फायदा पहुंचाने वाला है. तो आप जो भी काम कर रहे हैं सबसे पहले आपको देखना है कि आपका अंदरूनी ताकत क्या है. इनहेरेंट कैपेबिलिटी विच गिव्स स्ट्रेटजिक एडवांटेज, जो आपको स्ट्रेटजिक एडवांटेज देने वाला है. ये किसी भी क्षेत्र में लागू हो सकता है. दूसरा हम लोग का है W फॉर वीकनेस. वीकनेस का मतलब होता है इनहेरेंट लिमिटेशन. आप अपने अंदरूनी, आप जिस फील्ड में है अपने अंदरूनी कमजोरी को पता करिए कि आपका अंदरूनी कमजोरी क्या है, उसे हम लोग कहेंगे इनहेरेंट लिमिटेशन. आप जिस फील्ड में है आपको पता करना है कि आपका अंदर का कमजोरी क्या है, इसे हम लोग कहेंगे इनहेरेंट लिमिटेशन. विच गिव्स ए स्ट्रेटजिक डिसएडवांटेज, जो आपको नुकसान पहुंचाने वाला है. तो स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों ही इंटरनल एनवायरनमेंट के तहत आएंगे. क्यों इंटरनल एनवायरनमेंट के तहत आएंगे, क्योंकि ये आपके अंदर का चीज है. तो एस रेफर्स टू स्ट्रेंथ, जो कि अपने अंदर में देखना है कि मेरा ताकत, अंदरूनी ताकत क्या है. डब्ल्यू रेफर्स टू वीकनेस, आपको अपने अंदर में देखना है कि आपका अंदरूनी कमजोरी क्या है. अब आइए हम लोग एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का अगर बात करें तो ये एक्सटर्नल है. तो एक्सटर्नल का अगर बात किया जाए तो वो और रेफर्स टू अपॉर्चुनिटी. आपको देखना है कि हमारे लिए अपॉर्चुनिटी क्या हो सकता है, मार्केट में हम क्या चीज का फायदा उठा सकते हैं, मेरे लिए फेवरेबल कंडीशन क्या है, ये हमको देखना है अपॉर्चुनिटी. आप जो भी काम कर रहे हैं सबसे पहले अपना ताकत पहचानिए, कमजोरी पहचानिए. ताकत के आधार पर आप देखिए मार्केट में मेरे लिए अपॉर्चुनिटी क्या है, हम कौन सा मौका का फायदा उठा सकते हैं, कौन सा चीज मेरे लिए अच्छा हो सकता है, ये चेक करना है आपको आपके लिए अपॉर्चुनिटी क्या है. और लास्ट हम लोग का थ्रेट्स. थ्रेट्स का मतलब होता है आपका नुकसान क्या है, ये मार्केट में आपको देखना है. थ्रेट्स में देखिए इसमें हमारा कोई गलती नहीं है, लेकिन थ्रेट्स को, थ्रेट्स का नुकसान तो है, तो नुकसान को हमको
लगातार वाच करना है, देखते रहना है, उसके अनुसार अपने आप को तैयारी करना है ताकि हम लोग थ्रेट से बच सके। थ्रेट्स में हमारा कोई गलती नहीं होता है, जो कि हमारे लिए क्या है, अनफेवरेबल कंडीशन है। आइए वापस एक बार फटाफट बोल दें, शॉर्ट मैट्रिक्स को हम लोग चार क्वाड्रेंट में बांटे हैं, S4 S10। चेक करना है कि हमारा अंदरूनी ताकत क्या है। आप जिस भी फील्ड में है चेक करिए कि आपका अंदरूनी ताकत क्या है। दूसरा W refers to weakness। आप जिस फील्ड में हैं आप चेक करिए कि आपका अंदरूनी कमजोरी क्या है जो आपको डिसएडवांटेज देने वाला है। और refers to opportunity, आप स्ट्रेंथ के आधार पर देखिए मेरे लिए अपॉर्चुनिटी क्या है, हम क्या अच्छा कर सकते हैं, क्या बेहतर कर सकते हैं, ये अपॉर्चुनिटी देखना है। टी का बात करें तो टी मतलब थ्रेट, इसमें मेरा कोई गलती नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है मेरा कोई गलती नहीं तो इसको इग्नोर कर दे, इसको टाइम टू टाइम वॉच करना है, देखते रहना है ताकि हम लोग थ्रेट से बच सके। तो ये इंटरनल एनवायरनमेंट के तहत आएंगे, ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के तहत आएंगे। हर ऑर्गेनाइजेशन अपना स्वॉट एनालिसिस करता है, चाहे वो स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, क्रिकेट मैच हो, या कोई भी कंपनी का आप स्वॉट एनालिसिस को उठा के देख लीजिए, हर कंपनी अपना स्वॉट एनालिसिस करके रखा हुआ है। तो स्वॉट एनालिसिस इज अ लॉजिकल फ्रेमवर्क विच इज कवर्ड एवरीथिंग, जो कि हर चीज को कवर करता है, एंड इट इज कंसिडर्ड सेपरेटली इंटरनल एनवायरमेंट एंड एक्सटर्नल एनवायरमेंट। अलग से ये सेपरेट आपको बताएगा कि आपका इंटरनल एनवायरमेंट में क्या चीज़ है और आपका एक्सटर्नल एनवायरमेंट में क्या चीज़ है। आशा करते हैं हमारे बच्चों को समझ में आ गया होगा स्वॉट एनालिसिस। तो आप अपना स्वॉट एनालिसिस के आधार पे आप अपना चेक कर लीजिए कि आपका जिस फील्ड में भी है आपका ताकत क्या है, कमजोरी क्या है, ताकत के आधार पे आपको क्या फ़ायदा मिलने वाला है और जो नुकसान है उसको आपको देखना है, थ्रेट्स को आपको देखते रहना है और उसके अनुसार हम लोगों को ऐसा तैयारी करना है कि हम लोग उस थ्रेट से बच सकें।